आपके पास जो है वन प्लस का जो डिवाइस है उसमें अगर आप न्यू अपडेट इंस्टॉल किए हैं सो उसमें आपको यहाँ पे जो है न्यू रिंगटोन जो है देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाऊंगा कि कौन सा रिंगटोन है और कहाँ से आपको निकालना है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस न्यू अपडेट पे जो आया था ऑक्सीजन OS 14 पे, यहाँ पे जो है रिंगटोन को बात यहाँ पे बोला गया था, कंपनी जो है आपके फोन पे ये देगा। सो वो जो दिया है लेकिन काफी ज्यादा लोग जो है इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि उसे मालूम नहीं चल रहा है कि कौन सा यहाँ पे न्यू रिंगटोन आया है। सो चलिए वीडियो पे कंटिन्यू रहिए, जिसमें आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कौन सा न्यू अपडेट यहाँ पे जो आया है उसमें न्यू रिंगटोन कौन सा आया है। क्या करना है, फोन का जो सेटिंग है बस फोन के सेटिंग पे आपको आ जाना है, सर्च करोगे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बस आपको क्या करना है सेटिंग वाले एप्स पे आपको क्लिक कर लेना होगा। सो जैसे आप जो है इस एप्स पे आ जाते हैं आपको यहाँ पे सेटिंग जो देखने को मिल जाए, देख सकते हैं काफी सारे सेटिंग है यहाँ पे जो कि मैं आपको इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ एंड कुछ सेटिंग है जो मैं आपको अपकमिंग डेज में वीडियो दूंगा। सो अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, जिसमें आपको वन प्लस का हर एक जो है टिप्स आपको वीडियो वाला यहाँ पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे आना है, साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे अब आपको क्या करना है, स्लाइड कर जो हल्का सा आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आओगे यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं रिंगटोन, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके फोन पे कुछ इस तरह से शो अप होने लगेगा। सो फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है क्लासिक रिंगटोन, इस पर अगर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो रिंगटोन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपका ऑलरेडी फोन पे दिया हुआ है कंपनी के तरफ से। ओके, जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पुराना वाला रिंगटोन था वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी न्यू इसमें एडजस्ट किया हुआ रिंगटोन भी आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा। एंड यहाँ पे वन प्लस का जो है इस डिवाइस का है ये रिंगटोन है। सो यहाँ से जो भी आप ऐड करके रखना चाहते हैं अपने कॉलर के टोन के लिए वो आप ऐड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे नीचे की ओर आपको देखने में देख सकते हैं एक्यूमोरफिक थीम्स, बस आपको क्या करना है इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं इस तरह से आपको शो ऑफ हो जाएगा, जैसे कि फर्स्ट में आपको देखने में पीस ऑफ माइंड, यहाँ पे ये जो आपको रिंगटोन जो देखने को मिल रहा है ये अंडर ऑक्सीजन OS 14 के अंदर देखने को मिल रहा है जो न्यू वर्जन आया है उसमें। ऐसा नहीं कि आपके फोन पे ऑलरेडी ये था जब आप फोन परचेज किए थे तभी उसी अपडेट के साथ था, सो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये न्यू अपडेट जो आया था उसमें आपको यहाँ पे एक्यूमोरफिक थीम्स पे ये आपको जो है रिंगटोन देखने को मिल रहा है, जैसे कि पीस ऑफ माइंड, यहाँ पे क्लिक करोगे कूलिंग टाइप का रिंगटोन आपको यहाँ पे पूरा जो है सुनने को मिल रहा है इस तरह करके। यहाँ पे जो भी छेड़खानी करोगे वो आपको देखने सुनने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे ब्यूटी ऑफ नेचर करके देख सकते हैं, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे भी आपको न्यू रिंगटोन जो है सुनने को मिल रहा है, नेचर का रिंगटोन जो कुदरती जो रहता है, ओके गॉड्स की तरफ से वो रिंगटोन आपको जो साउंड है वो चीज यहाँ पे एडजस्ट किया है उसे मॉडिफाई करके जो आपको यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। ओके, सो ये भी एक न्यू रिंगटोन एंड एक्यूमोरफिक थीम्स में आपको यह है देखने को मिल रहा है। अगर वहीं पे नीचे की ओर आपको देखना ऑन दिस डिवाइस यहाँ पे क्लिक करते हैं सो आपके फोन पे जो सॉन्ग डाउनलोड किया हुआ है वो आप एडजस्ट करके रख सकते हैं कॉल के लिए, रिकॉर्डिंग अगर कुछ है सो यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं अपने कॉल के लिए। सो ये आपको न्यू रिंगटोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, एंड इसके एक स्टेप बैक आते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन रिंगटोन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं इसमें आपको जो है इसमें भी आपको काफी सारे न्यू रिंगटोन जो है देखने को मिलेगा नोटिफाई के लिए। ओके, यहाँ पे क्लासिक थीम्स में अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा काफी कुछ रिंगटोन आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है, देख सकते हैं। ये सिर्फ किस लिए है, यहाँ पे जो ट्यून मैसेज आता है उसके लिए नोटिफाई के लिए। दूसरा एक्यूमोरफिक थीम्स, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं इसमें भी आपको काफी कुछ यहाँ पे न्यू रिंगटोन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। ओके, पीस ऑफ माइंड के लिए देखने को मिल रहा है, ब्यूटी ऑफ नेचर के लिए देखने को मिल रहा है। सो ये सब सिर्फ और सिर्फ जो आपके फोन पे जो मैसेज आता है जो हल्का सा बिप होके जो है बंद हो जाता है वो आप कस्टमाइज यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं उसके लिए है। ओके, उसके बाद जो है डायनामिक ट्यून, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं सो एक अलग टाइप का यहाँ पे रिंगटोन जो आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस तरह से, जो कि ये भी आप ऐड करके रख सकते हैं अपने ट्यून्स के लिए अपने कॉलर के लिए। ट्यून के अलावा अगर आप और भी अपने फोन के कोई भी सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं ऑन दिस डिवाइस पे क्लिक करोगे यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको न्यू रिंगटोन देखने को मिल रहा है जो कि इसी तरह से निकाल के अपने फोन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज और भी यहाँ पे बता दूं, जैसे कि मोर साउंड का ऑप्शन आ रहा है, जैसे इस फीचर्स पे आया हूँ तो आपको ये भी समझा देता हूँ। मोर साउंड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको देखने को डायल पेड ट्यून, अगर आप इसे ऑन करके रखते हैं सो डायल पेड में कोई भी नंबर आप जो है प्रेस करोगे डायल करोगे सो उसमें आपको साउंड सुनने को मिलेगा। दूसरा है लॉक स्क्रीन साउंड, उसके नीचे अगर आप ये ऑन कर देते हैं सो क्या होगा कि जैसे आप फोन को लॉक करते हैं सो उसमें क्या होगा एक हल्का सा आपको साउंड जो है सुनने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट है स्क्रीन शॉट साउंड, अगर आप स्क्रीन शॉट लेते हैं उसमें अगर साउंड
साउंड चाहते हैं सो इसे आपको ऑन करके इस तरह से रखना है। दूसरा है नीचे की ओर डिलीटिंग साउंड, अगर आप कोई भी चीज़ कोई फोटोज वीडियो एप्स कोई भी अगर आप डिलीट करना कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि उसमें साउंड प्रोड्यूस हो सो आप इस पर ऑन करके रख सकते हैं। दूसरा है टच साउंड, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो फोन के कहीं पे भी आप जो है टच करोगे फोन पे ओके सो क्या होगा कि वहाँ पे साउंड आपको सुनने को मिलेगा। सो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन सा आपको यहाँ से आपको ऐड करके रखना है, कौन सा आपको बंद करके रखना है। सो गाइस आई होप कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा है। जो रिंगटोन का बात कहा था यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि मोडीफिक पे न्यू रिंगटोन। सो आपके पास जो है वन प्लस का कौन सा डिवाइस है, कौन सा अपडेट यूज कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि और लोग जो है इस वीडियो को देख के रिंगटोन वाला जो फीचर्स है उसे निकाल के इस्तेमाल कर सकता है।